JPG IAS एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है UP SSSC और लोअर PCS की नेक्स्ट सीरीज और आज का ये पहला सवाल, अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में नवरत्नों की व्यवस्था सबसे पहले गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शुरू किया गया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन यहाँ बात हो रही है अकबर के नवरत्नों की, और अकबर के नवरत्नों में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टोडरमल। टोडरमल जो कि दहशाला व्यवस्था के लिए जाने गए थे और इनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश का जिला सीतापुर में एक जगह है लहरपुर, कहाँ लहरपुर, वहीं पर टोडरमल का जन्म हुआ था, यानी पहले का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 19 फरवरी 2019 को मृदा सुरक्षा योजना सॉयल हेल्थ कार्ड मिशन की शुरुआत कहाँ की गई थी? जी हाँ, सॉयल हेल्थ कार्ड मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान का जिला है सूरतगढ़, कहाँ पर, सूरतगढ़, यानी मृदा सुरक्षा योजना की शुरुआत जो है इन्होंने राजस्थान से किया था, कहाँ से किया, राजस्थान से। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। सोनभद्र की सीमा 4 राज्यों से लगती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? उत्तर प्रदेश जिसका क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर और जिसका पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का विस्तार 650 किलोमीटर और 240 किलोमीटर है, यानी पूर्व से पश्चिम 650, उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर और क्षेत्रफल 2,45,286 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा सीटें इलाहाबाद में हैं और कुल यहां 12 विधानसभा सीट हैं, कितनी, 12, जबकि ऑप्शन में दिए गए जितने भी जिले हैं श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, इन तीनों जिला में विधानसभा सीटों की संख्या सिर्फ 2-2 है, जबकि इलाहाबाद में सबसे अधिक 12 है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सोरा किस देश की संसद का नाम है? सोरा उस देश की संसद का नाम है जिसका प्राचीन नाम था खुरासान। सोरा उस देश की संसद का नाम है जिसे अब अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी काबुल है और जिसकी करेंसी दिनार है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, प्रवीण गोवर्धन को वर्ष 2019 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रवीण गोवर्धन किस देश से संबंधित हैं? जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में नागरिक पुरस्कारों के तहत विदेशी लोगों को भी पुरस्कृत करने की परंपरा है, और वर्ष 2019 में जितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कुल 14 लोगों को, उनमें प्रवीण गोवर्धन जिनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है, कहाँ से है, दक्षिण अफ्रीका से है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से संबंधित नहीं है। जी हाँ, दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देशों के समूह को ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें यूथोपिया, जिबूती, सोमालिया और इरिट्रिया है, और दिए गए ऑप्शन में जो लीबिया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका से संबंधित नहीं है। कौन सा जो है 8वें का कौन सा ऑप्शन सही है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 91वां ऑस्कर अवार्ड 2019 किस फिल्म को प्राप्त हुआ है? 91वां ऑस्कर अवार्ड 2019 किस फिल्म को दिया गया? ग्रीन बुक को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? ग्रीन बुक को। जबकि द शेप ऑफ वाटर मूवी को वर्ष 2018 में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एनिमेशन के कैटेगरी में वर्ष 2019 में स्पाइडरमैन को बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इम्परफेक्ट ऑटोबायोग्राफी, इम्परफेक्ट आत्मकथा किससे संबंधित है? पूर्व क्रिकेटर
और वर्तमान समय के मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर संजय मंजेकर की जो आत्मकथा है, जो पुस्तक है, उसका नाम है इम्परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान योजना 1 अप्रैल 2018 जो गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई योजना, 1 अप्रैल के दिन इस योजना की शुरुआत रांची से हुई थी, रांची जो कि झारखंड की राजधानी है। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 का विजेता कौन है? जैसा कि आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, इस टेनिस के 4 प्रतियोगिताओं को सम्मिलित रूप से ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, जिसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलियाई ओपन से होती है, उसके बाद फ्रेंच ओपन खेला जाता है, उसके बाद ब्रिटेन में विंबलडन खेला जाता है और अमेरिका में यूएस ओपन खेला जाता है। 2019 में अमेरिकी ओपन के विजेता थे नोवाक जोकोविच। कौन थे? नोवाक जोकोविच। जबकि फ्रेंच ओपन के विजेता थे राफेल नडाल। उसके बाद विंबलडन हुआ, उसको फिर किसने जीता था? नोवाक जोकोविच। वर्ष 2019 की जो प्रतियोगिताएं हुई हैं उनको याद करने के लिए एक शब्द याद कर लें, नो रा नो, नो रा नो। नो का मतलब नोवाक जोकोविच, उसके बाद जीता था फ्रेंच ओपन किसने? राफेल नडाल ने। फिर विंबलडन किसने जीता? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? जी हाँ, वैसे बंगाल का पहला नवाब था मुर्शिद कुली खां, जिसने फर्रुख शेर के शासनकाल में बंगाल को एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में स्थापित किया था। सिराजुद्दीन दौला के शासनकाल में उसका सेनापति था मीर जाफर, जिसने अंग्रेजों के साथ मिलकर के सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की। प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और उसी युद्ध के बाद इस पर अंग्रेजों का लगभग अधिकार हो गया। मीर कासिम के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, 21 अक्टूबर 1764 को। बक्सर युद्ध के बाद लगभग भारत पर, पूरे भारत पर अधिकार हो गया अंग्रेजों का, भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ। और उसके बाद मीर कासिम के बाद जितने भी जो है बने थे नवाब, सब अंग्रेजों के जो है दलाल थे, उनके पेंशनर थे। और बंगाल का अंतिम नवाब था जिसका नाम था मुबारक उद्दौला। क्या नाम था? मुबारक उद्दौला नाम था, जो कि बंगाल का अंतिम नवाब रहा था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सागड़ी प्रथा संबंधित है। सागड़ी प्रथा बंगाल में बधुआ मजदूरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल जकार्ता 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त था? जानते हैं एशियाई खेलों की शुरुआत वर्ष 1951 से भारत में दिल्ली से हुई, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से शुरू हुआ था। और इस एशियाई खेल का 2018 में आयोजन जकार्ता में हुआ और वहाँ पर, कहाँ पर? जकार्ता में भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ था। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था भारत को? 8वां स्थान प्राप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, वांडिसवास युद्ध कब लड़ा गया था? जी हाँ, वांडिसवास युद्ध वर्ष 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। फ्रांसीसियों का सेनापति काउंट लाली था जबकि अंग्रेजों का सेनापति आयरकुट था। इस युद्ध में अंग्रेजों को विजय श्री प्राप्त हुई और वांडिसवास युद्ध के बाद ही हिंदुस्तान से फ्रांसीसी शक्ति का लगभग लगभग सफाया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का रेशम किसे कहा जाता है? जी हाँ, एक शैवाल है जो कि जल में पाया जाता है और उसे जल का रेशम कहा जाता है। उसका नाम है स्पायरोगायरा। क्या नाम है? स्पायरोगायरा। ये शैवाल को जल का रेशम कहा जाता है। जबकि जुक्लोरेला, अमूमन पूछता है जुक्लोरेला नामक शैवाल, ये हाइड्रा, हाइड्रा नामक जीव के शरीर में पाया जाता है। किसके शरीर में पाया जाता है? हाइड्रा के। लेमिनेरिया शैवाल, जो कि भूरा शैवाल कहा जाता है और इसमें सबसे अधिक आयोडीन पाया जाता है, आयोडीन। जबकि दूसरे पौधों की जो है टहनियों पर उगने वाले शैवाल को उडोगोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? उडोगोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सिंडिकेट बैंक जो कि एक नेशनलाइज बैंक है और इसका मुख्यालय कर्नाटक में मणिपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को प्रति गंजापन यानी एंटी एलोपेशिया कहा जाता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन है जिसका नाम विटामिन 8। इसको इनोसिटाल के नाम से जाना जाता है और इसे
प्रति गंजापन के रूप में भी जाना जाता है, यानी इस विटामिन की यदि कमी होती है तो बाल झड़ने की समस्या बहुत तेजी से होती है। और उसके बाद तो पूरा का पूरा सिर कुछ दिन के बाद तिब्बत का पठार सा नजर आने लगता है। अगला सवाल, हिंज की संधि कहाँ पाई जाती है? संधि मतलब बोन ज्वाइंट्स, और मानव शरीर के उन जोड़ों पर हिंज की संधि पाई जाती है जो कि एक तरफ तो घूमने के लिए स्वतंत्र होता है जबकि दूसरी तरफ नहीं। जैसे घुटना जितना पीछे जा सकता है आगे नहीं जा सकता, और नहीं जाए तो ही ठीक भी है, नहीं तो जितना पीछे घूमता है उतना ही आगे घूम जाए लेकिन तो घूमने में भी बड़ी परेशानी होगी। यानी हिंज की संधि कहाँ पाई जाती है? घुटने में पाई जाती है, कोहनी में पाई जाती है, यानी मानव शरीर के वो अंग जो कि एक तरफ घूमने के लिए जितना स्वतंत्र है दूसरी तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अगला सवाल, लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? लोकसभा आप जानते हैं भारत का अस्थायी सदन है और इसका गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसे पहले पीपुल्स असेंबली के नाम से जाना जाता था और लोकसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई। भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को सम्मिलित रूप से संसद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कारों में कितने विदेशी हैं? वर्ष 2019 में जितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो कि विदेशी लोग हैं और उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2019 में कुल 7 विदेशी लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ओवरऑल 94 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला था और उसमें 7 लोग जो ऐसे थे जो कि विदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली भाषा के कवि विद्यापति की रचना कीर्ति लता उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? जी हाँ, मैथिली भाषा के विद्वान कवि थे विद्यापति और उनकी रचना कीर्ति लता उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र से संबंधित है जिसे कभी सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था। कीर्ति लता उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र से संबंधित है जिसे तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई जूना खां के याद में गोमती नदी के तट पर जिसकी स्थापना की। जी हाँ, बात हो रही है सिराजे हिंद जौनपुर की। जौनपुर के सरकी वंश के शासक थे शहाबुद्दीन इस्लाम शाह और जिन्होंने कि अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कराया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण शहाबुद्दीन इब्राहिम शाह के द्वारा ही कराया गया था और उसी व्यक्ति के संदर्भ में और जौनपुर के संदर्भ में विद्यापति के द्वारा कीर्ति लता नामक पुस्तक की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एके वेरियन युद्धाभ्यास संबंधित है? एके वेरियन युद्धाभ्यास, जैसा कि जानते हैं वैसे भारत नेपाल के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसको सूर्य किरण के नाम से जाना जाता है जबकि भारत और मालदीव के बीच जो युद्धाभ्यास हुआ उसको एके वेरियन के नाम से जाना गया। अगला और इस सेशन का अंतिम सवाल, न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर किसी राज्य को राज्यसभा में एक सीट आवंटित की जाती है? जी हाँ, आप जानते हैं केंद्र में राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर राज्यसभा में किसी राज्य को एक सीट आवंटित की जाती है, यानी 25वें का कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, फॉल केटिंग किस देश की संसद का नाम है? आप लोग इस सवाल का जवाब टाइप करके हमको भेजेंगे और जितना अधिक से अधिक आप जो है लिख सकते हैं लिखेंगे। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। पिछले वीडियो में जो मैंने सवाल पूछा था पिथु लुत्तो किस देश की संसद का नाम है? म्यांमार। म्यांमार की संसद का नाम पिथु लुत्तो है। तो ये रहा आज का सेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों का भी भला हो सके उनको शेयर भी करें। आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अगर उसमें जीएस पूछा जाता है तो नो डाउट ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।